Duel. Karel. Karel Fort. Berarti ya. Chapter. Minus 2F minus X3. Relations. One. And. Functions. Someone or colon. चलो पहले तो आप लोगों को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हम बता चुके हैं, उनको हम बाद में लेंगे, समय बचेगा तो। पहले जो आप लोग सही से नहीं समझ पाए हो इक्विवेलेंस क्लास को, समझ गया ना, ये इक्विवेलेंस क्लास क्या है, तुल्यता वर्ग, जिनको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, तुल्यता वर्ग, क्या बोलते हैं, तुल्यता वर्ग, समझ गया ना। तो मान के चलो कि x कोई एलिमेंट है, x कोई एलिमेंट है किसी सेट A का, x कोई एलिमेंट है किसी सेट A का, तो इक्विवेलेंस क्लास ओ x इज डिनोटेड बाय, ये स्क्वायर ब्रैकेट एक्स, समझ गया ना, सभी ब्रैकेट आप इनको बोलते हो, लेकिन अब हम इनको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लास एक्स, क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लास एक्स। देखो एक्स का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, जैसे एक्स ले लिया ना, लेकिन लिए तो इसमें वाई के ये सभी एलिमेंट आएंगे जो एक्स से रिलेटेड होंगे, समझ गया ना, इसमें वाई के ये सभी एलिमेंट आएंगे जो आपको क्या होंगे, एक्स से रिलेटेड होंगे, समझ गया ना। अब देखिए तो यहाँ पर आपको हो गया एक्स रिलेटेड क्या हो गया वाई, एक्स रिलेटेड क्या हो गया वाई। अब मान के चलिए अगर दो सेट रहेगा ना, अर्थ हो गया इसमें, यहाँ पर देखो वाई है ना जी, किसका एलिमेंट रहेगा वाई। अब देखिए जैसे मान के चलिए कि सेट ए लेते हैं, ए ले लिए, इसमें एलिमेंट है एक दो तीन चार, ये क्या हो गया पांच हो गया ना, इस पर आधारित एक रिलेशन हम क्या ले लेते हैं आर ले लेते हैं। अब इसमें ये इस प्रकार से देखो, जैसे हम इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन, समझ गया ना, अगर कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस होगा तभी उसका क्या निकलेगा, इक्विवेलेंस क्लास निकलेगा, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो उसका इक्विवेलेंस क्लास आपको नहीं निकलेगा। तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए आपको क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन देखो कैसे होगा, जैसे यहाँ पर एक ले लिए तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव पुराने के लिए जितने भी एलिमेंट है सबका सेल्फ रिलेटेड पेयर लेना होगा ना, तो वन वन फिर क्या होगा टू टू, फिर क्या होगा थ्री थ्री, फिर क्या होगा फोर फोर, उसके बाद क्या होगा फाइव फाइव, ये हो गया ना। फिर हम एक दो ले लेते हैं तो क्या लेना होगा सिमेट्रिक के लिए दो एक, समझ गया ना। उसके बाद देखिए अगर हम चार पांच ले ले तो आपको क्या लेना होगा पांच चार, ये चीज ले लिए। इसके बाद देखिए जैसे एक दो से संबंधित है, अब दो किससे संबंधित है एक से, इन दोनों को छोड़ दो, दो को क्या हो गया एक एक आपको मिल गया ना, इसलिए क्या होगा ट्रांजिटिव भी होगा और सिमेट्रिक होगा, इसलिए क्योंकि एक दो है तो दो एक है, चार पांच है तो क्या है पांच चार है। अब देखो सबका हम इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, जैसे इसमें सेट में जो भी एलिमेंट पड़ता है ना उसी का इक्विवेलेंस क्लास निकाला जाता है, समझ गया ना। तो देखो एक है ना क्या है एक, एक का इक्विवेलेंस क्लास निकालेगा, समझ गया ना, तो एक का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा आपको देखो, मतलब यहाँ पर देख रहे हैं ना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है ना, एक्स किससे होना चाहिए रिलेटेड वाई से, वन हो जाएगा मतलब वाई का मान लेते हैं, लेते हैं तो देखो क्योंकि वन का हम इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं तो वन तो होगा ही, वन क्या होगा होगा ही, क्यों क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव होगा, जब रिफ्लेक्सिव होगा तो वन वन होगा ही न होगा, तो वाई के स्थान पर वन आएगा ही। फिर देखो कि वन पेयर में पहले स्थान पर किस किस पेयर में है, यहाँ पर मिला पहला है ना, पहला एलिमेंट क्या है इस पेयर का वन है ना, तो देखिए अब इसका वाई कौन हुआ दो, दो हुआ, इसमें वाई का ना मान लेते हैं, यहाँ पर वन मिला तो कौन वन लेंगे, ये वन लेंगे, समझ गया ना।
और यहाँ पर वन मिल गया तो कौन एलिमेंट लेंगे, ये दो लेंगे। अब देखो और कौन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, हो गया ना। अब हम दो का तुल्यता वर्ग निकालेंगे, बोलो क्या होगा, दो का तुल्यता वर्ग होगा, दो का तुल्यता वर्ग। तो देखो दो का निकाल रहे हैं तो दो तो होगा ही जी, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है। अब देखो दो पहले किस पेयर में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, तो कौन एलिमेंट लेगा, ये दो लेगा कि एक लेगा, वन लेगा, वन हो गया ना। फिर देखो आप तीन का निकालेगा, तीन का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा बोलो, तो तीन तो होगा ही, तीन का इक्विवेलेंस में तीन तो होगा ही, अब और है कोई पेयर, अब तो है ही नहीं, सिर्फ इसका सिंगले है। उसके बाद हम चार का इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं तो क्या होगा बोलो, तो चार की इक्विवेलेंस क्लास में तो चार होगा ही। तो उसके बाद देखो ये यहाँ पर चार मिल गया तो ये क्या लेगा, पांच लेगा, ये हो गया ना। अब पांच का इक्विवेलेंस क्लास हम निकाल रहे हैं, क्या पांच और क्या हो गया, चार हो गया ना, पांच चार हो गया। अब इसी में देखो पार्टिशियन होता है, एक क्या होता है पार्टिशियन, इक्विवेलेंस क्लास का पार्टिशियन, ये क्या होता है, जैसे मान एक दो जो हम लिए हैं, एक दो लिए हैं ना, तो ये एक दो किसका एलिमेंट है, सेट ए का ना एलिमेंट है। तो देखो ये जो सेट ए है, सेट ए ये देखो पार्ट बाय बट गया कि नहीं बट गया, ये पार्ट से ही पार्टिशियन आया, पार्ट से ही क्या आया, पार्टिशियन। तो बोलो इसके कितने पार्टिशियन बनेंगे, पार्टिशियन को पी वन पी टू पी थ्री मानते, जैसे मान के चलो की के तक पार्टिशियन है, तो पी वन पी टू डॉट डॉट पी के तक जाते हैं ना, तो इसके कितने पार्टिशियन बनेंगे जो अलग अलग सेट है। देखो तो इक्विवेलेंस में क्लास में ये देखो, एक तो आपको वन टू है ना जी, एक पार्टिशियन एक हो गया जी, दूसरा आपको क्या हो गया, टू वन। तो देखो वन टू और टू वन एक ही सेट ना होता जी, है जी। सेट में एलिमेंट इधर उधर कोई मतलब है नहीं, नहीं। ये जो वन टू है वो इन टू वन भी है जी। तो अब देखो अलग डिफरेंट टाइप का सेट देखो कौन सा है, चार पांच है, तीन का। अब एक देखो ये तीन हो गया, ये आपका क्या हो गया दूसरा पार्टिशियन। अब उसके बाद देखो पार्टिशियन क्या है डिफरेंट, फोर फाइव, फोर फाइव है ना जी, थ्री। इसका कितना पार्टिशियन निकला, तीन पार्टिशियन निकला ना जी। तो समझ सकते हो कि अब तुम लोग कंफ्यूज भी होगा पार्टिशियन, जैसे मान के चलो कि आपको सेट ये दे दिया रे, समझ गया ना, उसका पार्टिशियन दे दिया रे, कहेगा कितने पार्टिशियन, मान के चलो सेट दे दिया रे, बोलेगा कि इसके एलिमेंट का कितना पार्टिशियन निकालेगा, समझ गया ना, और रिलेशन भी दे दिया रे, तो आराम से पार्टिशियन निकाल सकते हैं ना उसका। आप देखो अगर इतना मान के चलो ये सवाल नहीं पूछे तो याद रखो कि पार्टिशियन का यूनियन क्या होता है, सेट के बराबर होता है। अगर सेट ए दिया हुआ है ना तो सभी पार्टिशियन का यूनियन किसके बराबर होता है, सेट ए के बराबर होता है, यानी ए सेट रहेगा तो ए के बराबर, अगर सेट बी रहेगा तो सेट बी के बराबर, सी रहेगा तो क्या होगा, सी का। तो मान के चलो कि ये आपको पी वन हो गया है ना, अगर के तक एलिमेंट रहे, कहाँ तक एलिमेंट रहे तो क्या होगा, पी वन यूनियन पी टू यूनियन क्या हो गया, पी थ्री यूनियन पी फोर, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, यूनियन पी के। तो ये किसके बराबर होगा, अगर सेट ए है तो सेट ए के बराबर होगा, उसका इंटरसेक्शन क्या होगा बोलो, इंटरसेक्शन जो सब में जीरो हो जाए, हाय इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, हाय क्योंकि दो को पार्टिशियन का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा, कभी भी एलिमेंट मिलेगा ही नहीं जी। दो पार्टिशियन का, दो या दो से अधिक पार्टिशियन का कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, अगर एलिमेंट मिल गया तो पार्टिशियन कहाँ से होगा, एलिमेंट मिल गया तो पार्टिशियन होगा नहीं, यहीं से तुलना करो तो पी वन पी टू का एलिमेंट मिलाओ तो नहीं मिल रहा है, नहीं, या पी वन पी थ्री का एलिमेंट मिलाओ तो नहीं, तीनों का हम इंटरसेक्शन लेते हैं मिलाओ तो क्या कोई एलिमेंट मिला, पार्टिशियन मतलब क्या, अलग अलग एलिमेंट, पार्टिशियन मतलब अलग, तो यूनियन पार्टिशियन का क्या होगा, सेट ए के बराबर होगा, उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई के बराबर होगा। तो समझ चुका है इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं, इसमें वाई y वाला मान रखते हैं, किसका मान रखते हैं, यदि आपको पेयर इस प्रकार से दिया रहे, एक्स वाई पेयर दिया रहे, क्या चीज दिया रहे, एक्स वाई पेयर दिया रहे, तो मान के चलो कि x x का निकालेगा इक्विवेलेंस क्लास, तो वे सभी y का मान आएंगे जो x से संबंधित होंगे,
जो एक्स से संबंधित होंगे। जैसे वन का हम इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं, तो समझो कि वन से संबंधित जितने भी एलिमेंट है यानी वाई के स्थान पर रखा हुआ, वे सभी एलिमेंट उसके इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे। जैसे वन का निकाले तो समझो कि यहाँ पर वाई के स्थान पर वन था और यहाँ पर क्या था वाई के स्थान पर दो था, इसके इक्विवेलेंस क्लास में क्या आया, एक और दो। समझ चुका है, अब इक्विवेलेंस क्लास को समझने में मिस भी करेगा, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव भी छूटेगा। अब देखो रिलेशन से, देखो जिसका जो मेन इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है, समझ गया, जिस पर आपको सवाल बनेगा या ऑब्जेक्टिव आएगा जिनका जवाब देगा, क्या होता है रिफ्लेक्सिव। इसमें आपको ये ए से संबंधित होता है, ये किससे संबंधित होगा, यानी सेल्फ रिलेटेड होता है। ए बिलोंग्स टू क्या हो गया, ए, और ए ए बिलोंग्स टू क्या हो गया, आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या हो गया, ए। यानी रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, मतलब स्वयं से जितने भी एलिमेंट रहेंगे स्वयं से संबंधित हो गए। रिफ्लेक्सिव का अर्थ हो गया कि जितने भी एलिमेंट होंगे स्वयं से संबंधित होंगे। एग्जाम्पल के रूप में ए में एक दो एलिमेंट है, इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, वन वन और टू टू होगा। समझ गया ना, तो दो एलिमेंट है तो दो बार क्या किए, दो को पेयर बनाए। उसके बाद देखो अगर और पेयर रहे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन दो एलिमेंट है तो इन दोनों का क्या होना चाहिए, सेल्फ रिलेटेड पेयर होना चाहिए। दूसरा होता है आपका सिमेट्रिक। दूसरा क्या होता है सिमेट्रिक में आपको होता है क्या, जैसे ए बी से संबंधित हो, ए किससे संबंधित हो, ए रिलेटेड बी, मतलब ए बी से संबंधित है, बी ए से। तो देखो ये रिलेशन कहता है कि बी ए से संबंधित होगा, समझ गया ना, तब सिमेट्रिक रिलेशन कह सकते हैं। अगर नहीं है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अब देखो इसमें क्या होता है, जो सेट लेते हैं जितने भी पेयर रहेंगे उसका जो है, जैसे ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए पलटा करके भी। एग्जाम्पल के तौर पर इनको हम देखो ए रिलेटेड बी को हम क्या लिखते हैं, ए रिलेटेड बी का अर्थ हो गया ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर। अब बी रिलेटेड ए का अर्थ क्या हो गया, बी ए बिलोंग्स टू आर। एग्जाम्पल के रूप में इसका देखो, जैसे सेट ए है इसमें एक दो तीन एलिमेंट है ना, इसका जब आप सिमेट्रिक रिलेशन लिखोगे, एक दो लिया तो क्या ले सकते हो, टू वन ली, इसी को हम क्या बोलते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बोलते हैं। रेस्ट तीन का यूज करो या नहीं करो इससे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको रिफ्लेक्सिव में जितने भी एलिमेंट रहेंगे सभी का यूज करना होगा सेल्फ रिलेटेड के रूप में, समझ गया ना। इसमें पेयर का यूज करना है, जितने पेयर रहेंगे उनका उल्टा देखना है। तो यहाँ पर हम एगो पेयर लेते, एगो को उल्टा है, दो को लेगा तो दोनों को उल्टाना होगा। अब देखो तीसरा होता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। तीसरा क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, उतारते जाओ मेरे साथ तेज से, समझते भी जाओ। तो इसमें हम तीन एलिमेंट लेते हैं, कितने एलिमेंट लेते हैं, तीन। और देखो ए बी से संबंधित होगा और बी किससे संबंधित होगा, तो ये रिलेशन कहता है तब ए सी से भी संबंधित होगा। यदि ए बी से संबंधित हो, बी सी से संबंधित हो, ए सी से भी संबंधित हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे मान के चलो कि ए बी सी तीन आदमी है, ए का दोस्त बी है, बी का दोस्त सी है, तो देखो ए सी संबंधित होगा, ए सी संबंधित होगा, क्यों होगा, क्योंकि ए का दोस्त बी सी होगा। दोस्त का दोस्त क्या होता है, दोस्त ही होता है। अब देखो ए रिलेटेड बी का क्या अर्थ, इनको समझो, ए रिलेटेड बी का क्या अर्थ, ए बी पेयर जो होगा आर का सदस्य होगा, ए बी पेयर किसका सदस्य होगा, और बी रिलेटेड सी का क्या अर्थ, बी सी पेयर किसका सदस्य होगा, बी सी पेयर किसका सदस्य होगा, आर का, बी सी पेयर किसका सदस्य होगा, समझ गया ना, बी रिलेटेड सी का अर्थ यही हुआ। अब देखो ए रिलेटेड सी का क्या अर्थ, ए सी पेयर जो है किसका सदस्य होगा, आर का। तो ये रिलेशन आपका क्या होता है ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल के रूप में देखो यदि सेट ए बराबर आपको क्या हो जाए, तीन एलिमेंट एक दो तीन रे, देखो इसका ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, जैसे एक दो से संबंधित है, दो किससे संबंधित है, तीन से, तो बोलो ये दो मिल गया, हाँ, जो मिल गया कोमेन छट गया, वो क्या हो गया, बचा क्या, एक और तीन, तो इसमें क्या होना चाहिए, एक और तीन भी होना चाहिए, इसी को हम क्या कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। आपको सवाल रहेगा, समझ गया ना, कोई फलन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में रहेगा,
समझ गया ना, एफ फंक्शन एन टू एन, इसको हम क्या पढ़ते हैं, एफ फंक्शन एन टू एन, समझ गया ना, एन से एन में फलन एफ, समझ गया ना, एन क्या हो गया, नेचुरल नंबर, ये आपको हो गया एफ एक्स फंक्शन, आपको दिया रहे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, क्या दिया रहे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, आपको कहेगा ये जो है रिलेशन पर, देखो चैप्टर फर्स्ट जो है आपका वो रिलेशन एंड क्या है फंक्शन है ना, नहीं है तो फंक्शन में हम आ गए, समझ गया ना, और ये क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन भी इसमें आता है, तीन चीज आता है रिलेशन फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन, इसमें चैप्टर फर्स्ट में ये तीन चीज आते हैं, चैप्टर का नाम क्या हो गया रिलेशन एंड फंक्शन संबंध और फलन। अब देखो एफ एक्स बराबर आपको क्या दिया रहे एक्स स्क्वायर, फलन इस प्रकार से आपको परिभाषित है, तो कहेगा एफ इन्वर्सिएबल होगा, एफ इन्वर्सिएबल होगा, तो देखो कोई फंक्शन तब ही इन्वर्सिएबल होता है जब वह वन वन और वन टू हो, तो पहले आप चेक करो वन वन क्या चेक करना है वन वन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वन वन फंक्शन, तो वन वन फंक्शन क्या होता है एक एक ही फलन, मतलब एक एलिमेंट का एक वो इमेज रहेगा, समझ गया ना, उसी को हम क्या कहेंगे वन वन फंक्शन, फंक्शन तो ये भी होता है कि दो एलिमेंट का एक भी इमेज हो सकता है, समझ गया ना, लेकिन एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होता है, यानी एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होगा लेकिन दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, ये क्या होता है फंक्शन, लेकिन एक सभी एलिमेंट का क्या होना चाहिए अद्वितीय एलिमेंट किसमें होना चाहिए बी में, चलिए वन वन फंक्शन की हम बात करते हैं, तो वन वन लेट एक्स वन और एक्स टू बिलोंग्स टू एन, समझ गया, मान लिया कि x1 और x2 किसका सदस्य है n का, नेचुरल नंबर वो संख्या रहे, अब देखो तो इनका जो डेफिनेशन है fx1 बराबर क्या होगा fx2, ये ले लिए, उसके बाद देखो यहाँ पर x है तब ना x का स्क्वायर है, x1 देंगे तो x1 का क्या होगा स्क्वायर, x2 का क्या होगा स्क्वायर, x1 बराबर क्या होगा रूट ओवर एक्स टू का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया एक्स टू, एक्स वन बराबर क्या हो गया एक्स टू, निकल आया ना, अच्छा एक चीज और देखेगा कि जैसे रूट जैसे स्क्वायर हटा ना जी, तो उधर क्या होता है प्लस माइनस, क्या होता है प्लस माइनस होता है, एक चीज देखना ये इसलिए देख दे दिया जाता है, समझ गया ना, इसका बहुत अर्थ होता है, समझ गया ना, इसको साधारण तौर पर नहीं लेना है, इसका अर्थ है कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, पहले ही कह रहा है कि इसका जो है कोडोमेन मतलब डोमेन और कोडोमेन क्या है नेचुरल नंबर है, तो निगेटिव संख्या का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए निगेटिव हम नहीं ले सकते, तो ये फलन जो है आपको कौन क्या हो गया वन वन फंक्शन हो गया, ये फलन आपको क्या हो गया, समझ गया ना, तो यहाँ पर लिख देना है तो एफ इज वन वन फंक्शन, उसके बाद दूसरा आप चेक करोगे वन टू फंक्शन, क्या चेक करोगे वन टू फंक्शन, दूसरा वन टू फंक्शन में देखो इसमें मान लेना है कि वाई ये एफ एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, समझ गया ना, अब यहाँ पर देखिए तो ये वाई जो होता है आपको किसके बराबर होता है एफ एक्स के बराबर, समझ गया ना, तो y बराबर आपको क्या हो गया एफ एक्स, आप देखिए एफ एक्स का मान क्या है एक्स स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटा तो क्या हो गया रूट ओवर y, रूट ओवर क्या हो गया y, अब देखिए रूट ओवर y तो हो गया, अब ये जो है वन टू फंक्शन होगा कि नहीं, वन टू फंक्शन होगा कि नहीं, अच्छा जैसे मान के चलिए कि y का मान हम एक ले लेते हैं तब तो हो जाएगा, नहीं हो गया क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो y का मान दो भी तो ले सकते हैं, क्योंकि y का मान भी तो नेचुरल नंबर है, यहाँ पर दो नहीं रख सकते हैं, अगर मान के चलो कि अगर y का मान हम दो रख दे तो आपको क्या हो जाएगा रूट ओवर दो, क्या रूट ओवर दो जो है आपको नेचुरल नंबर है नहीं है, तो ऐप क्या होगा वन टू फंक्शन नहीं होगा, क्या होगा वन टू फंक्शन, अब y मतलब क्या b का एलिमेंट, दो को सेट लगा ना, तो b का एलिमेंट एफ एक्स से जो आपको मान प्राप्त होता है वही ना y होता है, तो y की जगह y भी क्या है नेचुरल n है जी, y भी क्या है क्योंकि यहाँ पर n टू n है, तो y भी क्या है नेचुरल है,
तो वन टू कुछ भी तो हम ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, दो का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, ये आपको नेचुरल नंबर नहीं होगा, इसलिए वन टू फंक्शन नहीं होगा। एप इज नॉट वन टू फंक्शन, एप जो है वन टू फंक्शन नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं ये इन्वर्सिबल होगा कि नहीं, नहीं होगा। अब देखो ये आपको वन वन हो गया, वन टू नहीं हुआ, इसलिए इन्वर्सिबल नहीं होगा। या फिर नॉट इन वर्सिबल बाइनरी ऑपरेशन में, बाइनरी ऑपरेशन में देखो हम लेते हैं आपको बाइनरी ऑपरेशन इस प्रकार से डिफाइंड है, जैसे ए स्टार, ये स्टार है ना, समझ गया ना, तो बाइनरी ऑपरेशन में क्या लिया जाता है, स्टार लिया जाता है जी। तो ए स्टार क्या ले लिया बी, समझ गया ना, ये इस प्रकार से संबंधित है ए स्क्वायर और प्लस ए बी, समझ गया ना, ये स्टार बी लिए तो ए ये जो है इस प्रकार परिभाषित है ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब आपको एलिमेंट दिए रहेंगे, समझ गया ना, ए और बी के भी ये स्थान पर आपको कुछ संख्या उनका मान निकालना है। जैसे मान के चलो कि हम आपको लेंगे वन स्टार टू स्टार थ्री, ये चीज लिए, अब इनका मान निकालना है, बोलो निकल जाएगा, निकालो मान। पहले देख लो जैसे ए स्टार बी किस प्रकार से डिफाइंड है, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो आपको जो है ये क्या हो गया ए, अब ये क्या हो गया बी नहीं हो गया जी। तो देखो क्या है ए स्क्वायर है ना, तो वन का क्या करेगा स्क्वायर, ये क्या है प्लस है ना जी। ये क्या है प्लस, ये क्या है ए बी है ना, ये क्या है ए बी है, तो वन गुना क्या करेगा टू। अब फिर देखो अब तो इन दोनों का ही अभिक्रिया हुआ है जी। अब ये क्या है स्टार है ना, ये क्या है थ्री, तो देखो ये वन हो गया, ये प्लस क्या हो गया टू, ये क्या हो गया थ्री, तो दो एक क्या हो गया तीन। अब देखो ये भी ना ये भी ना बी हुआ जी। नहीं हुआ, अब तीन का क्या करेगा, तीन का स्क्वायर, स्क्वायर देखो पुनः ए और बी हो गया, तो ए का स्क्वायर होता है यानी तीन का स्क्वायर, फिर ये बीच में क्या होता है प्लस, थ्री गुना क्या होगा थ्री, तीन की या नौ, नौ कितना हो गया अठारह। फलन आपको दिया है एफ एक्स का मान ये थ्री एक्स प्लस फोर के रूप में दिया है, इनका जो है एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है, समझ गया ना, एफ इनवर्स क्या करना है एक्स फाइंड करना है, तो आपको करना क्या, पहले तो वन 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 टू करो, ये चीज नहीं करना है, सिर्फ आपको मान फाइंड करने के लिए हम बताते हैं। इनका सोल्यूशन करेगा, करने के बाद क्या करेगा वाई बराबर एफ एक्स, क्या करेगा वाई बराबर एफ एक्स। अब देखो तो y रहेगा ही, एफ एक्स का मान क्या है थ्री एक्स प्लस फोर हो गया ना, अब x का मान इनसे फाइंड कर लो, इनसे क्या करोगे x का मान फाइंड, ये प्लस फोर है ना इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस फोर, ये थ्री एक्स हो गया ना, x बराबर क्या हो गया y माइनस फोर बटे थ्री, ये हो गया ना। अब देखो इससे x का मान निकालो क्या निकलता है, y ये जो f है उलट के इधर आएगा तो क्या होगा f इनवर्स y बराबर क्या हो गया x, तो देखो इस x के बदले में हम क्या रख सकते हैं f इनवर्स y, इस x के बदले में हम क्या रख सकते हैं तो ये y माइनस क्या होगा फोर बटे थ्री। अब देखो y है तब ना, y है जी, जब हम x रखेंगे तो क्या होगा वहां पर भी x, अब देखो अगला क्वेश्चन, अगर आपको एफ एक्स बराबर क्या दिया रहे cos x, क्या दिया रहे cos x, और जी एक्स का मान आपको दिया रहे एक्स स्क्वायर, क्या दिया रहे एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें फोक या गोप कैसे फाइंड करेगा, फोक और गोप कैसे फाइंड करेगा, जैसे मान के चलो कि हमको गोप निकालना हो, क्या निकालना हो या फोक या फोगे निकालना हो, देखो करेगा क्या एक फंक्शन, ये मान के चलो कि गोप है ना, तो एक चार राशि क्या करेगा एक्स लेगा, इनका जब सोल्यूशन करेगा तो जैसे ये गोप लिए ना, एक चार राशि क्या करोगे एक्स ले लेगा, अब इस ओ को हटाना है तो क्या करेगा ये कोष्ठ में आ जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा एफ एक्स। अब यहाँ पर देखो एफ एक्स का मान क्या है कोस एक्स, कोस एक्स, एफ एक्स का मान क्या है कोस एक्स, कोस एक्स,
कोस एक्स हो गया। अब यहाँ पर देखो ये जी एक्स, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर क्या होता है, एक्स होता है ना। यहाँ पर अगर कोस रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, कोस होगा नहीं होगा, इसलिए क्या होगा कोस एक्स का होल स्क्वायर। कोस एक्स का क्या होगा, मतलब यहाँ पर अगर एक्स रहता है तो एक्स का क्या होता है, स्क्वायर नहीं होता है। तो समझ जाओ ये क्या है, एक्स है, ये क्या है एक्स का स्क्वायर। एक्स मतलब क्या, यहाँ पर कोस है तो कोस आपको निकालना है, फोग एक्स क्या निकालना है, फोग। तो क्या करेगा, एफ जी एक्स, एफ जी एक्स कर दिया। अब देखो जी एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर है ना। देखो तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या है, x है। यहाँ पर अगर हम स्क्वायर दे दे तो यहाँ पर भी क्या होगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा, x अपन स्क्वायर होगा जी। इसलिए क्या होगा, cos x स्क्वायर।